मिशन 400 पार का लक्ष्य पूरा करने के लिए बीजेपी ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मथुरा के चुनावी दौरे पर रहेंगे। यहां पर वो शाम को 4 बजे वृंदावन इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इस मौके पर आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी उनके साथ होंगे। बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी के समर्थन में ये रैली होगी और इस जनसभा के बाद अमित शाह आगरा के लिए रवाना हो जाएंगे। तो हेमा मालिनी के समर्थन में आज अमित शाह ये रैली करने वाले हैं, चुनावी रैली जिसे संबोधित भी करेंगे, जनसभा भी रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह वृंदावन इलाके में जनसभा करेंगे। मथुरा लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हेमा मालिनी भी लगातार प्रचार में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में अमित शाह पहुंचेंगे प्रचार करने के लिए और हेमा मालिनी के लिए वोट की अपील करेंगे। इस दौरान जयंत चौधरी भी आरएलडी अध्यक्ष उनके साथ मौजूद रहने वाले थे, क्योंकि अब आरएलडी भी एनडीए के साथ आ गया है, तो ऐसे में लगातार प्रचार में जयंत चौधरी भी दिखाई दे रहे हैं, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात हो या फिर अन्य जगहों की। तो अमित शाह आज मथुरा के चुनावी दौरे पर रहेंगे और यहां पर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे, हेमा मालिनी के लिए वोट मांगेंगे। पहले चरण की वोटिंग के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पहले चरण के मतदान में बीजेपी को बंपर वोटिंग हुई है। अमित शाह ने दावा किया कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी बीजेपी की सीटों का ग्राफ भी ऊपर बढ़ता चला जाएगा। तो पहले चरण में बीजेपी को बंपर वोटिंग अमित शाह की ओर से यह कहा गया है। पर बताया कि बहुत गर्मी का ग्राफ ऊपर जा रहा है। मैंने एयरपोर्ट ऑफिसर को अहमदाबाद में बताया, गर्मी का ग्राफ जितना ऊपर जाएगा भाजपा की सीटों का ग्राफ भी ऊपर जाने वाला है। पहले चरण के मतदान में देश भर में बंपर वोटिंग हो रही है और जो जाता है मोदी मोदी के नारे लगाते हुए बाहर आता है। भाई और बहनों, गत चुनाव में आपने 303 सीटें दी थी और इस बार मोदी जी ने कहा है कि क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। और पहले चरण के मतदान को लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर क्या लिखा है वो आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा, वोट करने वालों का शुक्रिया, लोगों ने रिकॉर्ड संख्या में वोट दिया है और एनडीए को रिकॉर्ड संख्या में वोट पड़ा है। आज हुई वोटिंग का फीडबैक शानदार है। ये कल लिखा गया प्रधानमंत्री की ओर से सोशल मीडिया साइट एक्स पर। और अब बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। लोकसभा चुनाव के प्रचार में लगातार जुटे हुए हैं, दूसरे राज्यों में भी भारी डिमांड है और यही वजह है कि सीएम योगी यूपी के साथ साथ दूसरे राज्यों में भी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान में हुंकार भरेंगे और आज भीलवाड़ा, उदयपुर और जोधपुर के चुनावी दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी सुबह 11 बजे भीलवाड़ा में, दोपहर 2 बजे उदयपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम में 6 बजे जोधपुर में जनसभा होगी, रोड शो होगा जिसे संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यूपी में विपक्षी गठबंधन की ओर से अब तक संयुक्त चुनाव प्रचार शुरू नहीं हुआ था, लेकिन आज पहली बार अमरोहा में राहुल अखिलेश की संयुक्त रैली होगी। इस मौके पर आसपास की अन्य सीटों के गठबंधन प्रत्याशी भी मंच पर होंगे। दोपहर में 2 बजे अमरोहा के मिनी स्टेडियम में दोनों की संयुक्त रैली होगी।
दोनों नेता गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में वोट की अपील करेंगे। अमरोहा से पहले अखिलेश यादव मेरठ के दौरे पर रहेंगे और यहां पर वो लोहिया नगर इलाके में दोपहर 12 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। गाजीपुर से एसपी उम्मीदवार अफजाल अंसारी की उम्मीदवारी खतरे में पड़ती नजर आ रही है। गैंगस्टर मामले में मिली 4 साल की सजा के खिलाफ दाखिल याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं हो सकी। अब मई में फिर से सुनवाई होगी। जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई होनी थी लेकिन समय की कमी के चलते सुनवाई नहीं हो पाई। कोर्ट ने अफजाल अंसारी के वकीलों की जल्द सुनवाई की मांग को ठुकरा दिया है। ऐसे में अब ज्यादा संभावना इस बात की है कि गाजीपुर सीट पर अफजाल अंसारी का टिकट कट सकता है। आपको बता दें अगर हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली तो अफजाल की उम्मीदवारी भी खतरे में पड़ जाएगी। आपको बता दें सजायाफ्ता होने की वजह से अफजाल अंसारी चुनाव नहीं लड़ सकते लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर फिलहाल रोक लगा रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला आने तक सजा पर रोक बरकरार रखी है और 30 जून तक सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाने को कहा है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में यूपी में 8 सीटों पर वोटिंग हुई। इस बार 2019 के मुकाबले कम वोट पड़े। वोटिंग परसेंटेज में 3 से 4 फीसदी की गिरावट आई। अनुमान के मुताबिक 57.61% वोटिंग हुई। बिजनौर में 59% मतदान हुआ। नगीना में 60% और सहारनपुर में 66.6% मतदान हुआ। कैराना में 61.17% और मुजफ्फरनगर में 58.5% मतदान हुआ। पीलीभीत में 63.2% और मुरादाबाद में कुल 62.5% मतदान हुआ जबकि रामपुर का कुल मतदान प्रतिशत 55.75% रहा। और खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं।